नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इसराइल हमास वॉर को लेकर कल शाम को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट आया, जिसमें हमास का जो लीडर है इस्माइल हनिया, उसने कतारी और इजिप्शियन जो मीडिएटर थे उन लोगों के जरिए ये बात कही कि वे लोग यानी कि हमास सीज फायर के लिए और हॉस्टेज रिलीज के लिए तैयार है। तो उसी के चलते अल जजीरा में, टाइम्स ऑफ इसराइल में और अन्य कई जगहों पर ये खबरें आना शुरू हो गई और उसके ऊपर जो निर्णय लेने की या फिर रिस्पॉन्ड करने की बारी थी वो इसराइल की। इसके ऊपर इसराइल ने रिस्पॉन्ड करते हुए ये कहा कि ये जो टर्म्स हमास ने अग्री की है या एक्सेप्ट की है, वो टर्म्स इसराइल ने जो प्रपोज की थी उन टर्म्स से अलग है और उसमें कई चीजें मिसिंग है जो वे लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये सेम चीज नेतन्याहू गवर्नमेंट ने और उनके जो पॉलिटिकल अपोनेंट है बेनी गैंट्स, उसने भी यही बात दोहराई कि इसराइल ये जो हमास ने टर्म्स रखी हैं, जिस टर्म्स पर वो एक्सेप्ट कर रहा है सीज फायर और हॉस्टेज रिलीज, उनको वो स्वीकारने के लिए रेडी नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इसराइल इस पर्टिकुलर नेगोशिएशन को और भी आगे बढ़ाने के लिए और इसके ऊपर वर्क करने के लिए अपनी जो वर्किंग लेवल टीम है उनको भेजेगा और इसके ऊपर और भी नेगोशिएशंस और भी डिस्कशंस चलेंगे। इस खबर के आते ही पूरे गाजा सेलिब्रेशन का माहौल बन गया और वहां पर लोग रास्ते पर आ गए और सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन इसराइल ये बात स्पष्ट कर दी कि जहां तक ये पूरा जो निगोशिएशन का मैटर है वो कंप्लीट नहीं होगा, वहां तक उनका जो राफा का ऑपरेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। तो उसी के चलते उन्होंने राफा में जो ऑपरेशन है, जो कि गाजा और इजिप्ट की बॉर्डर पर लगता है, वहां पर ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और वो ऑपरेशन कंटिन्यू है। इसमें तीसरी साइड भी है जो है हॉस्टेजेस के फैमिली। उन फैमिलीज ने वहां पर इसराइल में प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं और भी अग्रेसिव कर दिए हैं। वहां पर ब्लो हॉर्न्स बजाए जा रहे हैं, फायर्स जलाई जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं कि इस डील को स्वीकार कर लिया जाए और हॉस्टेजेस को जल्द से जल्द छुड़ाकर वापस इसराइल में ले आया जाए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि 200 से ज्यादा लोगों को, यानी कि 200 से ज्यादा इजरायली सिविलियंस हमास और अन्य जो रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप है गाजा में, उन लोगों ने 7 अक्टूबर को बंधक बना लिया था और उन लोगों को गाजा में ले जाकर रखा हुआ है। उनमें से कुछ लोग वापस आए हैं, लेकिन अभी भी 100 से अधिक लोग या तो जीवित है या तो मृत है और जिस भी कंडीशन में हो वो अभी भी गाजा में है। तो उन लोगों के ऊपर भी कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया है। तो उसी के चलते उनकी जो फैमिलीज है उन्होंने प्रोटेस्ट और भी अग्रेसिव कर दिया है, खास करके जैसे ही ये पता चला कि हमास ने ये पर्टिकुलर सीज फायर और हॉस्टेज रिलीज की डील प्रपोज की है। तो उसी के चलते ये जो तीसरी साइड है वो भी काफी अग्रेसिव हो गई है और वो भी अपनी बात रख रही है और यहां तक कि इसराइल के कैपिटल टेल अवीव में जो आयलॉन हाईवे है उसका ट्रैफिक जैम कर दिया है और वहां पर प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं। अब अगर बात करें कि किन पर्टिकुलर कंडीशंस की वजह से ये डील अटकी हुई है, तो उसमें एक कंडीशन ये है जो इसराइल ने रखी थी कि ये जो पूरी डील होगी जिसमें सीज फायर और हॉस्टेजेस रिलीज किए जाएंगे वो 3 अलग अलग चरणों में किया जाएगा और उसमें से दूसरे और तीसरे चरण के बीच में तकरीबन 40 दिन का गैप होगा और उस दरमियान सीज फायर किया जाएगा। इसके सामने हमास ने जो प्रपोजल रखा है उसमें उन्होंने ये बताया है कि वे लोग पहले ही दिन से सीज फायर चाहते हैं और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि तीनों चरणों के कंप्लीट होने के बाद वो लोग ये अश्योरेंस चाहते हैं कि इसराइल गाजा के ऊपर कोई भी ऑपरेशंस कंटिन्यू नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की वॉर कंटिन्यू नहीं करेगा और उसके लिए उन्होंने इजिप्ट को एज अ गारंटर बीच में रखा हुआ है। अब ये एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी है जिसको लेकर इसराइल पहले से ही स्पष्ट है कि वे लोग किसी भी प्रकार की कंडीशन को मानेंगे नहीं, क्यों, और उनका जो अल्टीमेट गोल है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रिप को, गाजा स्ट्रिप को कैप्चर कर उसके ऊपर जो मिलिट्री कंट्रोल है वो पाने का है। वो लोग वहां पर सिक्योरिटी को कंट्रोल करेंगे और वहां के लोगों में इस तरह का उग्रवाद फिर से ना फैले उसके ऊपर वो लोग पर्सनली ध्यान देंगे। 2005 के पहले उसी प्रकार की कंडीशंस थी, बाद में 2005 के पश्चात गाजा वालों को ऑटोनोमसली विदाउट एनी इंटरफियरेंस इसराइल ने वहां पर सरकार चलाने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए परमिशन दे दी थी, साथ ही में सिक्योरिटी की भी परमिशन
दे दी थी और वो लोग अभी तक 7 अक्टूबर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। तो उसी के चलते अब इसराइल कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है और वो ये चाहता है कि जैसे ही ये पूरी डील खत्म होती है और जैसे ही हमास पूरी तरह से इरेडिकेट हो जाता है, जो कि उनके वर्ड्स हैं, हमास जैसे ही पूरी तरह से इरेडिकेट हो जाता है, वे लोग गाजा पर फिर से मिलिट्री कंट्रोल रखेंगे और वहां की सिक्योरिटी का ख्याल वो लोग खुद रखेंगे, ना कि उसको गाजा के किसी भी ग्रुप के हाथ में सौंपेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है जो इसराइल ने रखी थी और उसके सामने काउंटर प्रपोजल आया था हमास की ओर से, जिसको इसराइल ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है, चाहे वो करंट गवर्नमेंट हो या फिर उनके अपोजिशन लीडर, दोनों ने। तो इस प्रकार से इसराइल हमास वॉर में फिर से निगोशिएशन शुरू हो गए हैं सीज फायर को लेकर, लेकिन इसराइल किसी भी तरह से पीछे हट करने की तैयारी में नहीं है। वो अपने जो गोल्स हैं उनके ऊपर अडिग है और उसको पूरा करने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अब इसके ऊपर हमारे कुछ पर्सनल व्यूज हैं जो कई सारे लोगों को सही ना भी लगे, जो दोनों ही साइड के लिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसराइल की। तो ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन IDF के द्वारा चलाया जा रहा है, इसराइल डिफेंस फोर्सेज के द्वारा चलाया जा रहा है, वो काफी लंबे समय से 7 अक्टूबर से अभी चलाया जा रहा है और अभी तक आधे से ज्यादा हॉस्टेजेस वहां पर फंसे हुए हैं और उनका जो मेन टारगेट है याया सिन्वर, जो कि हमास का गाजा में उपस्थित एक लीडर है, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो उसी के चलते हम ये मान सकते हैं कि IDF पूरी तरह से अपने ऑपरेशंस में 200 दिनों के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हुई है, भले ही उन्होंने 80% से ज्यादा का जो गाजा का एरिया है उसको कवर कर लिया है और उसमें ऑपरेशंस कर दिए हो, फिर भी वे लोग अभी भी जो हॉस्टेजेस हैं उसमें से 50% से ज्यादा हॉस्टेजेस को रिकवर करने नाकामयाब रहे। और साथ ही में दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, भले ही वो प्रिसिजन स्ट्राइक्स क्यों ना कर रहे हो, फिर भी इतने लंबे समय से चल रहे इतने मैसिव ऑपरेशन के चलते बहुत ही बड़ी मात्रा में कोलेटरल डैमेज डेफिनेटली हुआ होगा। कई सारे इनोसेंट लोगों की जान वहां पर गई होगी, भले ही वो हमास को सपोर्ट कर रहे हो या ना कर रहे हो। अगर बात करें हमास को सपोर्ट करने वाले लोगों की, तो 7 अक्टूबर के पहले हमास को सपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या गाजा में सिर्फ 23% के करीब थी, यानी कि 1/4। तो 3/4 लोग ऐसे थे जो हमास को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उन लोगों की भी जान यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। हो सकता है कि भूखमरी से, क्योंकि उनको पूरा राशन ना मिल रहा हो, या फिर कोलेटरल डैमेज में ये जो स्ट्राइक्स की जा रही हैं उस उनमें से कई सारे लोग मारे गए हो। तो हमारा ये पर्टिकुलर IDF को, यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस को और करंट इजराइल गवर्नमेंट को सजेशन है कि जिस तरह से आप ऑपरेशन कर रहे हैं और आपको जो आप चाह रहे हैं उस प्रकार की सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप भारत की तरफ देख सकते हैं। भारत पिछले कुछ सालों में कई सारे सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं, कश्मीर वैली में से जो आतंकवाद है उसको एकदम ही मिनिमाइज करने में, इंडियन आर्म फोर्सेस एज वेल एज इंडियन गवर्नमेंट, साथ ही में नक्सल हिट जो इलाके हैं उन इलाकों में भी लोगों को, कई सारे लोगों को मेन स्ट्रीम में वापस लाने में भी सक्षम रहे हैं, जैसे कि टाइम टू टाइम न्यूज में आता रहता है। और उसी तरह से ईस्टर्न स्टेट जो है, जिनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, वहां पर भी कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स कई सारे सालों से फल फूल रहे थे, उन लोगों को भी वापस सक्सेसफुली विदाउट मच ऑफ ब्लडशेड वापस मेन स्ट्रीम में लाया गया है। और उस प्रकार के न्यूज भी हम लोगों ने रिसेंटली देखे हैं। तो इसी प्रकार से हम ये बहुत ही प्राउडली कह सकते हैं कि करंट इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन आर्म फोर्सेस ने सक्सेसफुल जो मिलिटेंसी है वो भारत में काफी हद तक कम कर दी है, विथ लीस्ट नंबर ऑफ कोलेटरल डैमेज एंड लीस्ट नंबर ऑफ मार्टियर्स इन आर्म फोर्स। तो उसी के चलते हम IDF को और करंट इजरायली गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फिर से एक बार अपने जो ऑपरेशन का मेथड है, जो स्ट्रेटेजी है, उसके ऊपर विचार करें और भारत ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है उसको स्टडी करके, और अगर जरूरत पड़े तो भारत की मदद लेकर गाजा में ये जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उन लोगों को लीस्ट कोलेटरल डैमेज के साथ वहां से हटाएं और उन लोगों को कैप्चर करें और गाजा के जो आम नागरिक हैं, जो इनोसेंट
सिविलियंस है उन लोगों को बख्श दे। दूसरी तरफ जो हमास और इस्लामिक जिहाद और उनके जैसे जो अन्य ग्रुप्स हैं, दे आर नथिंग लेस देन टेररिस्ट। चाहे कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, आम नागरिकों को बंधक बनाकर रखना एक टेररिस्ट एक्ट है। तो उसी के चलते पिछले 200 दिनों से ज्यादा से 100 से अधिक लोगों को, आम इजरायली सिविलियंस, बंधक बनाकर गाजा में रखा गया है। और उनमें से कितने जिंदा हैं, कितने मर गए हैं, उनके भी नंबर्स अभी तक बाहर नहीं आए हैं। तो उसी के चलते ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि हमास, इस्लामिक जिहाद और उनके जैसे जो भी वहां पर रेडिकल ग्रुप्स हैं, वे लोग टेररिस्ट हैं, वे लोग वॉर क्राइम्स कमिट कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं दिखानी चाहिए, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा और जल्द से जल्द दी जानी चाहिए ताकि उनका एग्जाम्पल बनाया जा सके। ये हमारे व्यूज दोनों ही साइड्स के लिए हैं, चाहे वो IDF और इसराइल गवर्नमेंट के लिए हो, या फिर हमास और इस्लामिक जिहाद, या फिर पैलेस्टीनियंस के लिए हो। आप क्या सोचते हैं, ये जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट हुई है और उसमें हमने जो अपने ओपिनियंस दिए हैं दोनों ही साइड्स के लिए, और जो सजेशन दिए हैं खास करके करंट इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्म फोर्सेस के सक्सेसफुल ऑपरेशंस के संदर्भ में, उसके बारे में कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर एक प्रकार की न्यूज रेगुलरली मिलती रहे। साथ ही में नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो इसके अलावा भी कई सारे न्यूज और वीडियोस हम लोग रेगुलर बेसिस पर वहां पर शेयर करते रहते हैं, तो आप जाकर वहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ और उन सभी अपडेट्स को टाइम टू टाइम अपने व्हाट्सएप पास। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक जय हिंद, हर हर महादेव।